LNMU के छात्रों के लिए एक अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ने अब एडिट का ऑप्शन दिया है, तो कोई भी छात्र अगर किसी भी तरह का पार्ट वन के फॉर्म भरते वक्त में कोई मिस्टेक किए हैं तो वो अपना एडिट वाले ऑप्शन में जाकर एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरा न्यूज ये है कि कल भारत और नीदरलैंड का, नीदरलैंड है ना, भारत और नीदरलैंड का मैच है, लेकिन एक सुर्खी बनी हुई है। सुर्खी यह है कि लास्ट बॉल पे जो अश्विन ने चौका मारा था या सिंगल लिया था, ये सबसे बड़ा जो है वायरल हो गया है। अब ये पता ही नहीं चल रहा है क्रिक बुज वाले भैया, हॉट स्टार वाले, ये दिखाई नहीं रहे हैं कि वो एक रन लिया है या चौका चला गया, ठीक है, जिसमें अभी वो भी जो है वायरल हो रहा है कि आखिर अश्विन किया क्या था और जीत कैसे हुई। कहीं कहीं पर दिखा रहे हैं कि एक ही रन लेके हो गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है पीछे सब फील्डर को बुला लिए थे आगे, तो ऐसे कंडीशन में जब सब फील्डर को आगे बुला लेंगे तो बॉल को उठा के मारा अश्विन और लास्ट टाइम में वो बॉल हमको लगता है लुढ़कते हुए बाउंड्री पार कर गया होगा। खैर, जितने भी दर्शक हैं जो जिनको ये पता नहीं चला है कि बॉल आखिर गया कहाँ, तो बॉल हम बता दें कि बॉल बाउंड्री से बाहर चला गया था और चौका हो गया था, लेकिन क्रिक बुज या बाकी ने उसको अपडेट करके 4 रन में नहीं तब्दील किया था। दूसरा न्यूज ये है। और तीसरा, अभी तो जस्ट दिवाली बीता है, दिवाली में आपने देखा होगा कि कई सारे चीज़ विलुप्त पाए गए हैं, जिसमें आपको मिट्टी तेल मिलना बंद हो गया है। दूसरा जो है कि लुकारी नहीं बना पाए हैं, जो शाम से हम लोग तेल के लिए भिक्षाटन करते थे लुकारी बनाने के लिए, वो नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा दीप की संख्या कम हो गई, तेल 200 रुपये लीटर है सरसों तेल, मिट्टी तेल महंगाई के कारण जो है मिट्टी तेल भी 100 रुपये लीटर कहीं कहीं मिल रहा था, तो जिनको सक्षम थे जो लेके आए जलाएं, कहीं कहीं पे तो मिला भी नहीं। इसके अलावा पटाखे की महंगाई की वजह से पटाखे नहीं हो पाए, सरकार ने भी बैन कर रखा है। तो इस तरह से दिवाली की जो रौनक पहले वाली थी वो अब है नहीं। भुकचुक बॉल जलाकर सब दिवाली मना रहे हैं, वो आनंददायक वो पल दिवाली में अब रहा नहीं, ठीक है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं से महंगाई जो है वो परेशान कर रहा है। अब आने वाले समय छठ में देखेंगे, हालांकि अभी पीछे मेरे देख रहे होंगे कि बोझा बांधा हुआ है, धान के खेत में बैठे हुए हैं, और कल इसी टाइम में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, तो अभी सूर्य को भी देख लीजिए एकदम लालिमा, बगल में पोल्ट्री फार्म दिख रहा होगा, ठीक है। और चारों तरफ यही सब है, और मैं अपने नए वाले घर पर बैठा हुआ हूँ और इस तरह से वीडियो बनाकर आप तक अपडेट कर रहा हूँ। अभी जस्ट पीछे आप देखेंगे तो पीछे जो है हमने अभी उधर कद्दू लगाया हूँ, कद्दू जस्ट, और इधर गोभी आज लगाया हूँ। तो इस तरह से सब जगह देख सकते हैं धान गढ़ने वाला सब धान काटने के बाद अलग अलग चीज़ को कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, इस तरह के अपडेट और देते रहेंगे, गांव के साथ साथ LNMU का अपडेट भी आप तक पहुँचता रहेगा, क्योंकि छुट्टी का पल है, इसी तरह से बिताया जाता है। थैंक यू।